हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बनाएंगे मसाला पापड़, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम मसाला पापड़ का मसाला, जिसके लिए एक हम बड़ा सा बॉल लेंगे। उसमें डालेंगे करीब हम एक मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ खीरा जो कि बारीक कटा हुआ होगा, एक मीडियम साइज़ टमाटर जो कि बारीक कटा हुआ होगा, और थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च। उसमें हम डालेंगे करीब आधा चम्मच काला नमक, उसके ऊपर से डालेंगे हम रोस्टेड पीनट्स, काली मिर्च का पाउडर, हाफ लेमन जूस, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके ऊपर डालेंगे हम बेसन का सेव, थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्ती, फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला पापड़ का मसाला रेडी हो गया है। अब इसको हम पापड़ पे लगाएंगे। इस वीडियो में हम आपको तीन तरीके से मसाला पापड़ बनाना बताएंगे। मेथड नंबर वन, इसमें पापड़ जो नॉर्मल सर्कुलर शेप में होता है उसको हम लेंगे, उस पर हम बटर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो हमने मसाला बनाया है उसकी फिलिंग करेंगे इसके ऊपर। इसको अच्छे से फिल करेंगे। फिर इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे इसकी बेसन के सेव से। ये है हमारा मेथड नंबर वन। मेथड नंबर टू, इसमें हम लेंगे पापड़ जो कि कोन शेप में है, इसमें भी हम बटर अप्लाई करेंगे और मसाले की फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद इसको सेम वैसे ही बेसन के शेप से गार्निशिंग करेंगे। मेथड नंबर थ्री, इसमें पापड़ लेंगे हम जो कि बीच से फोल्ड होगा, इसमें भी हम बटर अप्लाई करेंगे और मसाले की फिलिंग करेंगे। इसके फोल्ड में अच्छे से हम भरेंगे मसाला को।
सेम वैसे ही मसाला भरने के बाद इसकी हम बेसन के शेप से गार्निशिंग करेंगे। हमने इस वीडियो में तीन तरीके से मसाला पापड़ बनाया है जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।